हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीकोड एग्जाम डिफेंस। मैं आपका क्वांट एजुकेटर आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं आपके एग्जाम के लिहाज से। जैसा आप मेरा टॉपिक देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है लास्ट 45 डेज प्लान फॉर सीडीएस 1 2021। जैसा आप सभी को पता है कि 7 फरवरी को आपका सीडीएस का एग्जाम है। एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है कि आइदर अ कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर ओटीए और फॉर व्हाट आईएमए, ओके आईएमए आईएनए। ऑलराइट, सो यहां पर समझने की जरूरत है, ओटीए में आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं, जीके और इंग्लिश, व्हाइल देयर विल बी 3 सब्जेक्ट्स इन व्हाट आईएमए, जीके इंग्लिश एंड मैथ्स। तो आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो स्ट्रैटेजी रिलेटेड टू आपके 45 डेज प्लान को लेकर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और सभी लोग इस सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लें अगर, तो मैंने कट ऑफ जानबूझ के रख दी है, ये 2019 की कट ऑफ है सीडीएस की। यहां पर आप गौर से देखें तो आईएमए में आपको 116 लाने हैं, आईएनए में आपको 105, एएफए एयरफोर्स यानी 129, ओटीएमएन का आप देख सकते हैं 78 और विमेन दोनों सिमिलर है, ओके। जैसा आप सभी को पता है कि यहां पर जो आपके आईएमए है ये 3 सब्जेक्ट के लिए है, ओके, और यहां पर ये 2 सब्जेक्ट का है यानी जीके और इंग्लिश की बात हो रही है। तो जरा गौर से देखिए, अगर मैथ्स को इंक्लूड कर देते हैं तो सिर्फ 35 प्लस का ही डिफरेंस आता है, यानी अगर आप आईएमए के लिए जा रहे हैं तो 35 प्लस आप मैथ्स में स्कोर करिए और पॉसिबिलिटी है कि आप सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है, यहां पर समझिए। बट मेरा टारगेट कुछ और रहेगा, मेरा टारगेट ये रहेगा कि आप 100 क्वेश्चन में से कम से कम 60 प्लस अटेम्प्ट कर कराएं, वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। प्रिपरेशन टिप्स, पहली बात ये समझिए, आइडेंटिफाई योर स्कोरिंग एरियाज, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट जीके, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स। मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स होते हैं जो ओटीए के लिए ही फिल करते हैं क्योंकि वो उनको इजी पड़ता है, मैथ्स से बच जाते हैं। बट अगर आपने मैथ्स लिया है तो आप ये चीज समझिए, आपको एक चीज और मिलेगी वहां पर, स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, और ये स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी आपको बहुत अच्छी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इससे आप अपना जो रैंक है उसको क्या कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो, यानी सिलेक्शन के चांसेस हायर हैं इसमें, ये बात ध्यान में रखिए। मेक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, ओके, एंड इंप्रूव एक्यूरेसी। तो स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिफाई स्कोरिंग एरियाज। अब स्कोरिंग एरियाज आपके क्या हैं? जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं मैथमेटिक्स की, ठीक है, तो मैथ्स का स्कोरिंग एरिया आपको जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं? वो एडवांस सेक्शन से मिलते हैं और अच्छे कैट की बुक से वो क्वेश्चंस देते हैं। तो आप अगर कैट की किताब से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आप इस चैनल में जाकर देखें तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो हाई लेवल के ही मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप उनको समझ पा रहे हैं तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्कोरिंग एरियाज क्या है? अब देखिए यहां पर होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिए, जब आप स्कोरिंग एरिया की बात करते हैं तो स्कोरिंग एरिया always starts with easy segment. Why? Because you have a time limitation. तो जब कभी भी time limitation होगी तो आप हमेशा easy segment से start करेंगे. Then you will move towards moderate and then you will move towards lengthy or a difficult one. Okay? ये बात ध्यान में रखिए. जैसे maths की अगर मैं बात करूं तो maths में आपका जो होता है वो स्कोरिंग एरिया जो इजी है वो क्वांट हो जाएगा, ठीक, नंबर सिस्टम हो जाएगा, ओके, आपका अलजेब्रा हो जाएगा, ऑलराइट, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा। अगर आपने देखिए, मैंने
एडवांस सेक्शन में ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को क्यों नहीं अभी तक बोला? इससे क्वेश्चंस 30 प्लस तक पूछे जाते हैं, लेकिन आप सिर्फ अगर इनसे बचना चाहते हैं तो अगर आप ये चार सेगमेंट को कंप्लीटली कर लें तो आप यहां से निकल जाएंगे, ये बात ध्यान में रखिए। यानी आप मैथ से इजीली 50 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, 30 प्लस स्कोर के लिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का सहारा लिए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि आपको उन एरियाज को पिक करना है, क्योंकि कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आपके लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं, वो सब क्या होते हैं, थोड़े थोड़े जो हैं टिपिकल वंस भी पूछे जाते हैं। तो सब क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है। लेट्स से कि आपको यहां से 45 क्वेश्चंस मिले इन सेगमेंट से, अगर 45 क्वेश्चंस मिले तो आप उसमें से, मैं ये मानता हूं कि 30 क्वेश्चंस इजीली कर ले जाएंगे। बाकी बचे 20 क्वेश्चंस के लिए फाइट करना, तो 20 क्वेश्चंस के लिए आपको ज्योमेट्री का भी सहारा लेना पड़ेगा, मेंसुरेशन का भी सहारा लेना पड़ेगा, काफी चीजें मैंने एनालिसिस भी की है इस साल जो पूछे गए सीडीएस के एग्जाम में कि किस तरीके के पैटर्न रहा है और किस तरीके के सवाल थे, तो आप गौर से देखिएगा उसको समझ में आएगा। अब यहां पर जरा देखिए, मेक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, जैसे मैंने बोला कि वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, जीके और मैथ्स, ठीक है। तो यहां पे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बनाइए, किस सेगमेंट को पहले करना है, ठीक है। जैसे मैथ्स को मैंने आपको क्या बोला, क्वांट सेगमेंट पहले करना है, उसके बाद आप एडवांस सेगमेंट पे जाएंगे। जीके में आप स्टैटिक सेगमेंट पहले करना, क्योंकि ये इजी पड़ता है, वो देखने में आ जाता है, ठीक है। इंग्लिश में आप कोशिश करिएगा कि क्लोज टेस्ट हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ग्रामर का पोर्शन जो हो गया, ये आप पहले कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें रूल होता है, रूल आपको आते हैं तो आप कर ले जाएंगे, नहीं आते तो यू विल स्किप। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंप्रूव एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इंप्रूव करिए, क्यों, क्योंकि अगर आप 100 में से 60 क्वेश्चन करके आए और आपके 40 सही है, वही दूसरा 100 में से 40 करके आया और 40 के 40 सही है, तो इसका वेटेज ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस रॉन्ग वंस के। क्यों, क्योंकि आप 40 के नंबर पा रहे हो, उधर 20 का नेगेटिव भी पा रहे हो, ठीक है। तो यहां पे 1/3 नेगेटिव होता है, इसलिए डोंट ट्राई एनी लक इन द एग्जामिनेशन, ओके। लास्ट 45 डेज प्लान, जनरली अभी आपके 45 डेज से ज्यादा बचे हैं, बट 45 डेज इसलिए रखा गया है कि आप एग्जाम के एक वीक में, लास्ट वीक में आप रिलैक्स मोड में भी होते हैं, क्योंकि इतने प्रेशर सिचुएशन में प्रिपरेशन के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, ताकि आप अपनी एनर्जी गेन करके, रीगेन करके फिर एग्जाम में प्रॉपर वे में उतरे। डेली मॉक, क्लियर डाउट्स इन एवरी सब्जेक्ट्स। देखो, डेली मॉक का मतलब है आप डेली एक टेस्ट देंगे, उसका रीजन है कि जब आप उस टेस्ट में 2 घंटा बैठेंगे तो आपकी हैबिट बनेगी, एंड दैट हैबिट हैज टू इंप्रूव। आप 2-2 घंटा अगर बैठना सीख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपका जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट कर जाएगा। डाउट्स जो भी हैं उन्हें अभी क्लियर कर लो, क्योंकि लास्ट वीक में कुछ भी नया, नो न्यू सेगमेंट, नो न्यू क्वेश्चंस और सेगमेंट, ऑलराइट। वर्क ऑन इंप्रूविंग योर एफिशिएंसी, ये क्या मतलब है, इंप्रूविंग एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी का मतलब है अगर आप 100 में से 2 घंटे में 100 में से 50 क्वेश्चन कर रहे थे, तो आफ्टर गिविंग कॉन्स्टेंट मॉक एंड क्लियरिंग द डाउट, योर स्कोर हैज टू गो बियॉन्ड 60 विद इन वन मंथ। तो ये आपकी एफिशिएंसी को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। स्टार्ट रिवीजन, स्पेशली इन जीके, जीके में रिवीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में तो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, इंग्लिश में आपका क्या है, आपके जो हैं बेसिक्स वो मजबूत होने चाहिए, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान में रखिए। और स्पेशल अनाउंसमेंट, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग लाइव क्लासेस फॉर यू, ओके। देखिए, ये स्टार्ट अभी से करिए, मैंने आपसे क्या बोला कि आपको जो भी डाउट है, जिस भी टॉपिक में डाउट है, जस्ट पोस्ट हेयर इन द कमेंट बॉक्स, ओके। इस वीडियो के कमेंट में आप वो टॉपिक को पोस्ट कर सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा बार
आएगा उसको हम पहले प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। एंड वी विल मेक अ लाइव क्लास फॉर यू सो यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। ये बात ध्यान में रखिए गाइस। देखिए आपको पढ़ाई तो करनी ही है क्योंकि अब आपके पास समय नहीं बचा है। सो दैट्स वाई वी थॉट कि हम आपके लिए ऐसी फैसिलिटी लेकर आए जो आपको लाइव डाउट क्लियर करवा सके। डिपेंड आपके ऊपर करता है, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर करता है। अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लासेस में आपके डाउट्स क्लियर हों तो आप मुझे यहां पर कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक्स लिखकर दे सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। ये बात ध्यान में रखिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड डोंट फॉरगेट कि हम आपके हर जज्बे को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, बस आपको हमारे साथ मेहनत में बने रहना है। तो जिसको भी डिस्कशन की जरूरत है वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकता है। द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज डी कोड एग्जाम डिफेंस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। यू कैन आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, ये बात जान लीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल को डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ओके, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। टिल देन थैंक यू। जय हिंद।